पटना सिटी का गाय घाट क्षेत्र, जहां कभी गुरु नानक देव के चरण पड़े थे, यही गुरुद्वारा श्री तख्त हरिमंदिर साहिब भी है, जहां सिख समुदाय के दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह का अवतार हुआ था। इसी पावन क्षेत्र में सोमवार को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लोक संपर्क एवं संचार ब्यूरो की एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। गुरु की महिमा का बखान इस प्रदर्शनी में किया गया है। जन्म से लेकर उनकी पूरी जीवन यात्रा को एनिमेशन और ध्वनि संगीत के माध्यम से बखूबी दर्शाया गया है। प्रदर्शनी को देखने के बाद आपने क्या कुछ सीखा, समझा? इसे परखने के लिए एक डिजिटल क्विज भी है। गुरु के जन्म स्थल पाकिस्तान के ननकाना साहिब और कर्म भूमि करतारपुर के दर्शन भी आप यहां विशेष उपकरण के जरिए कर सकते हैं। गुरु ने एक ओंकार का संदेश विश्व तक पहुंचाने के लिए पूरे विश्व का भ्रमण किया और लोगों को बताया कि मानवता और प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। वे उस सूफी और योगी परंपरा के ध्वजवाहक हैं, जिसका प्रचार गुरु गोरखनाथ और संत कबीर ने भी किया था। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। गुरु नानक देव जैसे महापुरुष सदियों में, हजारों वर्षों में जन्म लेते हैं, जिन्हें हर वर्ग के लोग, समाज के मजहब मिल्लत से ऊपर सब लोग मानते हैं। मुसलमान उन्हें हाजी पीर नानक शाह कहते हैं, हिंदू उन्हें गुरु नानक देव कहते हैं और सिख धर्म के तो वे अधिष्ठाता हैं ही। जो अहिंसा, प्रेम, धर्म और आपसी भाईचारे का संदेश गुरु नानक ने आज से 550 वर्ष पहले दिया, उसकी गूंज यहाँ से लेकर इराक, ईरान, काबा और मक्का तक सुनाई देती है। तो इस महान पुरुष की 550वीं जयंती पर यहाँ सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा यह आयोजन किया गया है और इससे उनके जीवन दर्शन के बारे में छोटी से छोटी बातें भी लोगों को पता चल रही हैं। कैमरा पर्सन अकरम अली के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना।